नगर परिषद बद्दी में खाली चल रही अध्यक्ष की कुर्सी के लिए वीरवार को चुनाव होने जा रहा है। परिषद में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा समर्थित एक पार्षद की कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं हैं। परिषद चुनाव में दून के पूर्व विधायक परमजीत सिंह को विधानसभा चुनाव में हार के बाद दूसरा झटका लग सकता है। वहीं अब कांग्रेस में अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए खींचतान शुरू हो गई है। अध्यक्ष के लिए दो नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें एक नाम सीपीएस राम कुमार के छोटे भाई सुरजीत और दूसरा वार्ड 6 से पार्षद तरसेम है। शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि दून कांग्रेस अपने ही परिवार को हर सीट पर बैठा रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्षद व कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं अपने भविष्य की चिंता भी सताने लगी है कि उनका नंबर कब आएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस नगर परिषद अध्यक्ष के लिए किसके नाम पर सहमति जताती है। एसडीएम नालागढ़ दिव्यांश सिंगल ने बताया कि 20 जुलाई को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई है। अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक को स्थगित करके 72 घंटे भीतर चुनाव करवाया जाएगा, जिसमें कोरम पूरा या हो या ना हो। नगर परिषद बद्दी के जो अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं वो 20 तारीख को रखे गए हैं और बद्दी के नगर परिषद के जो भवन है उसी में करवाए जाएंगे। चुनावों में कोरम पूरा नहीं होता है तो उसमें यह प्रावधान है कि उस मीटिंग को तभी स्थगित किया जाएगा और 72 घंटों के विदिन वो दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें चाहे कोरम पूरा हो चाहे ना हो इलेक्शंस उसी दिन करवाए जाएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।